गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबका आईटी टूल्स के नेक्स्ट सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम आईटी टूल के नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, स्कैनर, ओएमआर, एमआईसीआर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है डिवाइस क्या होती है। डिवाइस हमारा जो है जहाँ पर डेटा अलग अलग तरीके से वर्क करता है, जैसे हमारे पास इनपुट आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। इनपुट में कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक गेम खेलने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रिंटर। स्पीकर साउंड्स प्रोवाइड करता है, जिसे आप म्यूज़िक सुनते हैं। इनपुट आउटपुट में फैक्स मशीन है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों कर रही है। जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और आपको कलकत्ता में किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो आप अपने फैक्स मशीन से इनपुट करेंगे और उसके फैक्स मशीन में आउटपुट होगा। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों हैं। फोटोकॉपी मशीन से आप जानते ही हैं, फोटोकॉपी मशीन ये डेटा को डुप्लीकेट कर देती है। स्टोरेज SD, PD, CD, DVD, FD ये हमारी स्टोर डेटा को स्टोर करती है और जब हम चाहते हैं तो ही डिलीट होगी। CPU प्रोसेसिंग करने के पर्पस, इसलिए प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग कहते हैं इसको। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, उस समय आपको एक फ़ोटो इंटर करनी है अपने फॉर्म पे, तो आप अपनी फ़ोटो को स्कैनर में रखेंगे तो वो स्कैन करके वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। OMR एक आप जानते ही हैं, OMR एक सीट है जो आप लोग जो टेस्ट देते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें OMR सीट होती है और उसमें आप पेंसिल से या पेन से डार्क करते हैं, तो ये क्या करता है, OMR उसको रीड करता है। MICR जो होता है वो एक कोड होता है जो कि चेक के नीचे होता है। चेक के नीचे जो कोड, स्पेशल कोड्स होते हैं, वो MICR कोड्स होते हैं, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकोगनाइजेशन कोड। वो MICR के थ्रू क्रिएट होते हैं और MICR के कोड भी कहे जाते हैं उसे। हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब फिजिकल पार्ट, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे आपके सामने CPU है, हार्ड डिस्क है, रैम है, ये सब हमारे टच कर सकते हैं, मॉनिटर है। सॉफ्टवेयर जिसको हम से फील करते हैं, टच नहीं कर सकते, लाइक एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम, हम जब भी कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं तो सिर्फ फील होता है, हम टच नहीं कर सकते। तो जो एक्शन हम परफॉर्म करा रहे हैं, फंक्शंस प्रोवाइड परफॉर्म करा रहे हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम कंपलसरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, लाइक एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना आपके कंप्यूटर रन ही नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर को ऑन होने के लिए, वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम मींस जो प्रोग्राम सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, लाइक एग्जांपल विंडोज़ XP, 7, 10, विस्टा, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट होते हैं, और हम अपनी जब हमें नीड फुल हो जाती है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने जो अभी डिस्क्राइब किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो MS Office हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गेम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, आपका मोबाइल है। मोबाइल जब आप परचेस करते हो तो ऑन करते हो तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो ऑन हो के जो डेटा आ रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम को ऑपरेट करना। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हम दो मोड्स यूज़ करते हैं, डॉस मोड, विंडो मोड। डॉस इन द सेंस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि CUI करेक्टर यूज़र इंटरफेस के थ्रू वर्क करता है। तो करेक्टर यूज़र इंटरफेस में जब हम यूज़ करते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू हैंडल करते हैं, इसलिए कमांड लाइन प्रोग्राम्स होता है ये, इसमें कमांड फायर किए जाते हैं।
कमांड के थ्रू ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल होता है। विंडो बेस्ड में जो कि आज विंडो ही चल रहा है वो GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हम माउस के थ्रू सिस्टम को पूरे ऑपरेट करते हैं। हम सबसे पहले डॉस पे डिस्कशन करेंगे। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कमांड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आप आपके सामने देखिए ये ब्लैक स्क्रीन है, इसमें हम सिर्फ कीबोर्ड से वर्क करते हैं, माउस से वर्क नहीं होता है। इसको यूज़ करने का तरीका है कि आप विंडो प्लस आर यूज़ करेंगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस रन डायलॉग बॉक्स में आप CMD लिखकर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने विंडो प्लस आर किया, ये मेरा रन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। मैंने यहाँ पर CMD लिखा और ओके बटन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास अभी CMD विंडो ओपन होगी। ये मेरी CMD विंडो है और CMD विंडो में ऊपर में जो है ये वर्जन है। ये डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट का है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही ये पूरा डिटेल्स आ रही है। और ये वर्जन है 10.0 और इसमें यहाँ पर हम कुछ अलग अलग, ये सबसे पहले ही हमारा ड्राइव है जिसको हम लोग मेन रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ये हमारी मेन डायरेक्टरी होती है, ये हमारी सब डायरेक्टरी होती है। तो जो ये है ये हमारी सब डायरेक्टरी, पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि डायरेक्टरी और फोल्डर दोनों एक ही चीज़ होता है। विंडो में फोल्डर बोला जाता है और डॉस में डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी इन द सेंस का कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। तो यहाँ पर सब डायरेक्टरीज है और ये हमारी मेन डायरेक्टरी है। ये मेन डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी इंसर्ट्स है और हम ये दोनों डायरेक्टरी मेंटेन कर रहे हैं इस ड्राइव में, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको, आप ये फिगर्स में भी आप क्लियर है आपके सामने, मैंने जो अभी बताया ये फिगर्स में भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अब सबसे पहला कमांड आता है CD ... CD ... कमांड का यूज़ होता है कि आप इस सब डायरेक्टरी में हैं और मान लीजिए आपको इस डायरेक्टरी में आना है, मानी एक डायरेक्टरी के प्रीवियस डायरेक्टरी में अगर आपको मूव करना है तो आप CD ... का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं आपको सामने ये यूज़ कर रहा हूँ, मैंने CD ... लिखा और इंटरप्रेस किया तो एक स्टेप पीछे गया, फिर मैंने CD ... किया और एक स्टेप पीछे गया। तो ये CD ... कमांड का यूज़ होता है कि 1x1 ये प्रीवियस डायरेक्टरी की तरफ मूव करता है। ये देखिए अभी बिफोर की कंडीशन में ये सोनी में है। अब मैं इसको एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा CD ... करके, यूज़र्स पे आया, उसके बाद फिर मैंने यूज़ किया तो ये यहाँ पर मूव कर गया सी पे। अब बात आती है CD/। CD/ एक ऐसी डायरेक्ट कमांड्स होता है जो डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसे किया जाता है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ एक सेकेंड के लिए, फिर से मैं ओपन करता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर CD/ और करके इंटर करूँगा। देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया रूट डायरेक्टरी में, ना कि ये उसके प्रीवियस डायरेक्टरी में गया, डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी पे ये मूव कर गया। ये देखिए बिफोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बिफोर में देखिए क्या कंडीशन है इस समय और अब देखिए आफ्टर में क्या कंडीशन हो गई। अब बात करेंगे CLS। CLS का फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का कॉन्सेप्ट यह है कि ये जितनी भी ओल्ड इन्फॉर्मेशन है ये सबको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से कि मैं यहाँ पर CLS करके इंटरप्रेस कर रहा हूँ, देखिए सब गायब हो गया। अब यहाँ भी देख सकते हैं बिफोर में अभी देखिए डेटा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं CLS करके इंटरप्रेस कर रहा हूँ सब डेटा गायब हो जा रहा है। अब बात आती है एग्जिस्ट कमांड का यूज़ होता है कि विंडो को क्लोज करना, CMD विंडो को क्लोज करना। जैसे ही मैं इस कमांड का यूज़ करूँगा ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, मतलब जिस जगह पर भी आप एग्जिस्ट लिखकर क्लोज इंटरप्रेस करेंगे ये क्लोज कर देगा। एनी क्वेश्चन? अगर आप लोग को कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप इस मेल ID का यूज़ कीजिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दी है। यहाँ पर मैंने शो कर रहा हूँ, इस मेल ID का यूज़ कीजिए या इस कॉलिंग नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप दोनों है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने आज का जो सेशन पढ़ा उसमें मैंने आपको ये जो टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर दिए हैं। डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, स्कैनर, OMR, MSER, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम।
अभी हम डॉस में और भी बहुत सारे कमांड से जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप प्लीज़ हर एक कमांड्स को प्रॉपर प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकल करके इसको चेक करिए। थैंक यू।